नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशनल क्लॉज को, कंडीशनल क्लॉज के फॉर्म्स पैटर्न्स को हम लोगों ने देखा है। और कंडीशनल क्लॉज में हम लोगों ने यह भी बात किया है कि जितने भी इसके टाइप्स है, टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री को हमने पढ़ा है। तो इस तरह से हमने कंडीशनल क्लॉज में जो इफ कंजंक्शन था उसको हम लोगों ने फिनिश कर लिया। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल क्लॉज में ही हम लोग कंजंक्शंस अनलेस को लिखने वाले, ठीक है। तो अनलेस की खासियत, सबसे पहले एक पॉइंट हमें पता चलेगा कि अनलेस है क्या, तो एक निगेटिव कंजंक्शन से पता चल गया हमारा क्या है, निगेटिव कंजंक्शन। तो याद कीजिए, थोड़ा सा बैक रिविजन क्लास में लेता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने इफ को देखा था, ठीक है। तो इफ का पैटर्न नंबर वन जो था, अर्थात जीरो जीरो कंडीशनल या टाइप वन जिसको हम कह रहे थे, इस पर हमारा कैसा मेंशन करना था, या तो एक हम इफ सब्जेक्ट ले रहे थे, इसके बाद सब्जेक्ट फाइनाइट वर रेस्ट वर्ड रहेगा, फिर से एक सब्जेक्ट हम मेंशन कर रहे थे, इसके बाद हमारा फाइनाइट वर, ठीक है। इस फाइनाइट वर में हम लोग शैल विल का भी इस्तेमाल कर रहे थे, शैल विल प्लस वर्ब का भी वन फॉर सिंपल फ्यूचर, और साथ ही साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का भी वन और भी फाइव फॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये हमारा जीरो कंडीशन का टाइप वन का एग्जांपल है। यदि हम इस पर एग्जांपल्स में आपको देता हूं, जैसे इफ आई सी हिम, यदि मैं आपसे मिलता या आपसे यदि मैं मिलूंगा तो मैं कहता हूं आई विल गिव him a lift, तो निश्चित तौर पर मैं उसे क्या कर देता, लिफ्ट देता। ये हमारा जीरो कंडीशनल का एग्जांपल है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा कि ये जो हमारा जीरो कंडीशन है वो हमारा क्या है, अफर्मेटिव में, ठीक है। तो क्या आप निगेटिव बना सकते हो? जी हाँ सर, निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले इस जो भी वन फॉर्म है, यहाँ पर हमारा सेल का मॉडल है, फाइनाइट वर्ब कहेंगे, इसमें हमें क्या लगाना होगा, निगेटिव लगाना होगा। यदि हम सेंटेंस ऐसे कहते हैं, इज आई डोंट सी हिम, यदि मैं उससे नहीं मिलूंगा फ्यूचर को शो करने के लिए, तो आई विल गिव हिम, आई विल गिव हिम ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है? जी नहीं, जब मैं मिलूंगा है उससे नहीं, तो फिर लिफ्ट कैसे देंगे? अर्थात जब हमने कंडीशनल क्लॉज को निगेटिव बनाया तो हमें अब कंपलसरी है कि प्रिंसिपल क्लॉज को भी हम क्या करें, निगेटिव बनाए। तो इस विल के जगह पर या तो विल प्लस नॉट का इस्तेमाल कर दें, और हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन टाइप में कि विल प्लस नॉट को जब लगाते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जिसको कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म जिसे आप जानते हैं दोस्तों, उसको में हम क्या लगाते हैं, ऑन। ये बातें हम लोगों का पहले से पता है, ये कॉन्सेप्ट हमने जाना है, पढ़ा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस विल के जगह पर क्या इस्तेमाल कर देंगे, नाउ दिस सेंटेंस बिकम्स करेक्ट। आई डोंट सी हिम, यदि मैं उससे नहीं मिलूंगा तो आई वोंट गिव हिम अ लिफ्ट, जब मैं नहीं मिलूंगा तो डेफिनेटली हम उसको नहीं करेंगे। अब नाउ द साइन विल चेंज इनटू करेक्ट, द क्रॉस साइन चेंज इनटू टिक मार्क, ओके। Now, अब दोस्तों हमें सीखना क्या है, ये जो इफ आप देख रहे हैं, ये जो आप डोंट देख रहे हैं, यह इफ और डोंट का रिप्लेस करने के लिए हमारे पास जो उपलब्ध है वो है हमारा अनलेस। गौर से देखिएगा कैसे हम इफ के सेंटेंसेस को अनलेस में कन्वर्ट करने वाले हैं। 100% सीख कर जाइएगा, मेरा उम्मीद है, मेरा विश्वास है, सेशन के अंत तक बने रहे और आप इंजॉय करें सेशन को। तो इफ प्लस डोंट जो है ये दोनों इक्विवेलेंट होगा किससे, अनलेस, जो कि वह क्या है, यानी इफ आई डोंट सी हिम, यदि मैं उससे नहीं मिलता हूं, अनलेस, जब तक अनलेस I don't see him. अब होगा don't see him. Is it the correct way? No sir. Unless already negative है, तो सर आप फिर don't क्यों लगा रहे हैं? ये हमारा गलत हो जाएगा। गौर से ध्यान से देखिए, इससे ही errors पूछे जाएंगे competitive exams में आपको।
आप इस चीज को कभी गलत फहमी में न रहे, जब आपने ऑलवेज लगा दिया जब तक कि मैं उससे मिल नहीं लेता, कंडीशन टाइम नहीं, मैं उसे लिफ्ट नहीं दूंगा, तो जब तक कि मैं उसे मिल नहीं लेता, और हिंदी में नहीं आता है, हम गलत कर बैठे हैं यहाँ पर, डोंट, जी नहीं, यहाँ पर डोंट नहीं होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी है, अनलेस आई, अब हमारा क्या आ जाएगा, सी, ठीक है, आई, अब बताओ कि प्रिंसिपल क्लॉज अफर्मेटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा, नेगेटिव, वेरी नाइस, क्योंकि सर ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये भी क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा, क्लियर है, आई ओन गिव हिम अ लिफ्ट, क्लियर है, क्या आप इफ के सेंटेंसेस को अनलेस में कन्वर्ट कर सकते हो, यस सर, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको ले देता हूं, if she cooks food I serve it, यदि वह खाना पकाएगी तो मैं उसे खाऊंगा, सुनाओ व्हाट वी हैव टू डू, एक इसको भी हम, सबसे पहले हमें क्या करना है, नेगेटिव, सबसे पहले क्या करना है, चलिए नेगेटिव करके दिखा रहा हूं, इफ बताओ नेगेटिव, सी डजंट, गुड, वेरी नाइस, अब चूंकि वी फाइव है तो वी फाइव का तो हमें क्या लगाना है, डज, और डज में नॉट लगा देंगे, तो आप तो शॉर्ट फॉर्म लगाइए यहां पर, डजंट, नॉर्मल मैं लिखता हूं फिलहाल, डज नॉट, अब चूंकि डज लग गया तो कुक्स कहां पर चला गया, वी वन फॉर्म में, फूड आई सेल्फ प्लस नॉट को क्या कहेंगे, सांट, जब वह खाना नहीं पकाएगी तो हम खाना नहीं खाएंगे, जब पकाएगी तो हम खाएंगे, is it okay? अब दोस्तों इस if और इस does not को क्या करना है हमें, रिप्लेस करना है, किसमें, unless में, unless में, कर दोगे, if unless it could I start it, unless stop, yes, nobody can skip, unless she, अब unless क्योंकि negative है, तो बताओ कौन सा फॉर्म, cook हुआ कि cooks, cooks, क्योंकि not maintain किया हुआ है, ये does हमारा जब ही हटेगा तो फिर does किसमें आ जाएगा, v5, v5 में, यानी यह cook किसमें convert हो जाएगा, v5 में, समझ गए ये बातें, तो unless she cooks, जब तक कि वह खाना नहीं पकाएगी, यानी जब वह खाना नहीं पकाती पकाएगी तो क्या होगा, I shall not eat, I shall not eat, मैं बार बार चेंज कर देता हूँ ताकि आप पूरी तरह से ये shall plus not को ही सब क्या मेंशन किए हुए, इज इट ओके है, जल्दी से कुछ नोट भी करना, एक और एग्जांपल लेते हैं, अब सेंटेंस भी आपके रहेंगे, आंसर भी आपके रहेंगे, मैं अब आपको इनवाइट करने वाला हूँ, लेकिन इनवाइट करने से पहले मैं चाहूंगा कि कोई भी सेंटेंस अभी आपके पास है तो चलिए, यदि ऐसा क्या होता, इफ ही गिव्स मी मनी, यदि वह मुझे पैसे देगा तो हम क्या करेंगे, अभी भाई ये कहा, अभी तो कार खरीदने के हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन यदि वह पैसा देगा तो हम क्या खरीद सकते हैं, एक कार खरीद सकते हैं, पॉसिबिलिटी भी और फ्यूचर एक दोनों करते हैं, आई विल, तब सर्टेनिटी है, बाय अ कार, कर लोगे, कर लोगे, बोलिए, इफ चलिए तो हम सेकेंड स्टेप को क्या करते हैं, मैं आपको रिमूव करते हैं, ओमिट कर रहे हैं, और मैं डायरेक्टली अनलेस से कन्वर्ट कर रहा हूँ, अनलेस गिव्स him money, ठीक है, क्या देगा, I own, बताइए, buy a car, I think you understand all,
अब मुझे उम्मीद है आपने unless conjunctions को बहुत ही अच्छे से समझा और किसी भी सेंटेंस को आप कर सकते हो। बताया जा सेंटेंसेस, If I am a girl, I will select you. Unless I am a girl, I won't slap you. I won't slap you. If I have two books, I will offer you. If I have a book, I won't offer you. If I have a book, there are two books, anyone? If I have a book, I will offer you. Now, unless I have a book, I won't offer you. Yeah. Unless I have a book, I won't offer you. उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने आज के सेशन में unless को काफी अच्छे से समझा होगा और हम आपको प्रैक्टिस सेशन से लेकर आएंगे। अब चलिए दोस्तों, तो आप उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। तो अब हमें आपको देखना है, आपने if को नेगेटिव बनाना सीखा, उसमें आपने अनलेस को सीख लिया। मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि क्या आप इस जहां पर आपने if लिखा है यानी कंडीशन टाइप वन कि जो पैटर्न हमारा if का फर्स्ट है, इसी if के जगह पर आप इक्विवेलेंट इस्तेमाल कर देंगे किसका, शुड का। यानी सेंटेंस हमारा बन जाएगा शुड I see him. अब should I see him अभी समझेंगे कि क्या मुझे उससे मिलना चाहिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्या नहीं है, ये if है, should I see him, यदि मैं उससे मिला होता तो I will give him a lift. If I see him, I will give him a lift. क्या जाना, यानी जीरो कंडीशन या कंडीशनल टाइप वन के इफ वाले जगह पर हम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं इफ का। कोई भी सेंटेंस जीरो कंडीशन का है आप क्या कर सकते हो, शुड। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, दिस टेबल will collapse if you, this is sentence tha nakal, stand on it. Okay, sabse pehle main aapko bata dun ki conditional clause mein जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है या कंडीशनल क्लॉज है, सबसे पहले हम स्थान चेंज कर लेना, क्या है, फ्री है। यदि ये हम आपको दिखाए इफ यू स्टैंड ऑन इट दिस टेबल विल कोलैप्स, यदि आप ऐसे ही लिखते हैं इफ यू स्टैंड ऑन इट, यदि आप इस पर क्या करते हैं इट, यानी कि अब इट के जहां पर पहले आप नाउन इस्तेमाल कर दिया, ऑन दिस टेबल, दिस टेबल it will collapse. ठीक है, यदि आप इस टेबल पर खड़े होते हैं तो यह टेबल क्या कर सकता है, दोस्तों कोलैप्स कर जाएगा। देख रहे हैं आपकी वेट कितना है, टेबल पे जान कितना है। ओके, अब दोस्तों इस इफ के जगह पर हमने क्या बता दिया, शुड खत्म, इफ अनलेस और शुड, दिन की कहानी खत्म, बचा है हैड और वर, आइए उसको भी लपेटता हूं। Should you stand on this table? Yeah? Should you stand on this table? यदि आप इस टेबल पर स्टैंड करते हो, करना चाहिए, यदि यदि है if है, if क्या हो जाएगा, if it will collapse. Clear है, चलिए हम आपसे उम्मीद करेंगे जल्दी से आपका ये तीन सेंटेंस नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोगों ने इफ अनलेस और किसको, शुड, अब हमारे पास बचा हुआ है हैड। अब मैं आपको बताता हूं कि कंडीशनल क्लॉज में हैड का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आइए
टाइप वन का सेंटेंस आप देख रहे हैं, नेगेटिव देखा अनलेस देखा, क्या है आप मुझे इस सेंटेंस को पास्ट टेंस में बना सकते हैं? yeah. आइए देखिए कैसे होगा, बनाइए। सिंपल पास्ट में है, आई वुड गिव हिम अ लिफ्ट, ये हमारा क्या हो गया? इसी हो गया, ठीक है। अब वुड प्लस इसको भी हम एक और तरीका से लिख सकते हैं। इफ आई सॉ हिम, यदि मैं उससे मिलता पास्ट टेंस में, प्रेजेंट की बातें थी, काश मैं यदि उससे कल मिला होता या तुमको इतने इम्पैक्ट पता चला, या तुम भी मार्केट गए थे हम भी गए थे, कल हमको कोई ऑटो नहीं मिला, कोई टैक्सी नहीं मिला, मुझे पैदल आना था, तो मैं यही लेमेंट कर रहा हूँ। इफ आई सॉ हिम, यदि मैं कल आपसे मिला होता तो आई, अब गिव क्या है अभी टू फॉर्म, गिव ये तो ऑलरेडी एक पास्ट यहाँ पर है, आई वुड गिव हिम अ लिफ्ट, और आई गिव हिम अ लिफ्ट, इज इट ओके है, ठीक है ना, ये हो गया। तो मैं उसे निश्चित तौर पर लिफ्ट दे दिया होता, फिलहाल ना भाई तुम कल मिला और ना हमने ऐसा किया। अब ये जो इफ आई सॉ हिम दिस इज कंडीशनल क्लॉज एंड आई गिव हिम अ लिफ्ट दिस इज कंडीशनल क्लॉज, इज इट ओके? कैन यू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस? या नाउ स्टॉप, लेट मी फर्स्ट, लेट मी स्पीक फर्स्ट, इफ आई हैड सीन हिम, ओके, ओनली यू वॉच, इफ आई हैड सीन हिम, I now tell me, I would have, yeah, and that is the conditional type 3, and the the rule of conditional type 3 is that if the conditional clause is in past perfective, means pattern had plus v3, the pattern, the structures of principal clause would plus have plus third form, that is past participle. I would have been giving you that. So now I would have given him a lift. If I had seen him, this is conditional clause, and I would have is missing here. चलिए यहाँ पर missing है, मुझसे भूल हो गई है, now see here. I would have given him a lift. Is it okay? Yes. अब दोस्तों जहाँ पर आपने if लिखा है, गौर से देखिए आप. इस इफ को ये हैड डायरेक्टली क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, यानी हम सेंटेंस को ऐसे मेंशन कर लेंगे, गौर से आप देखिए, हैड आई सीन हिम, क्या मैं कल उसे देख चुका था? ऐसे आप हिंदी पढ़िएगा साहब, यही आप गलतफहमी में आप गच्चा खाइएगा और आप गलतियां कर बैठेंगे। Had I seen him, यही होता है। Have I gone there? क्या मैं वहां जा चुका हूं? तो had I seen him, क्या मैं उसे मिल चुका था? Past perfect है। गलत। But this is not the correct explanations. Okay? Had I seen him, यदि मैं उसे मिला होता, past perfect conditional type 3, in the sense of if, in the sense of if, गौर से सुनिए, और इस if के लिए पर हमने क्या मेंशन किया है? Yes, had I seen him, अब बाकी ये चीजें ऐसा ही रहेगा, I would have given him a lift. And this is now, don't think that this is a question. Had I seen him? This is a sentence. Conditional clause. SC. And I would have given him a lift. Is he? He is missing here. Him.
him यहाँ पर missing है him और if this is she see principal clerk तो आपने देख लिया है बना लोगे yes चलिए जल्दी से आप note कर लीजिए